हेलो, आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में हम 712 का 34 में डिवाइड कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए, 712 का हम डिवाइड कब कर पाएंगे, जब दी गई संख्या 712 से बड़ी हो। क्या यह बड़ी है? नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे, इसके साथ एक जीरो लिख देंगे। ध्यान क्या रखना है, डिवाइड में एक टाइम में हम केवल एक स्टेप कर सकते हैं। एक स्टेप कर दिया, पॉइंट लगाया, जीरो लिख दिया। अब भी यदि यह आपका 712 से बड़ी नहीं है तो फिर भाग कितनी बार जाएगा, जीरो बार। जीरो बार भाग कैसे जाता है, 712 को हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आता है, जीरो। फिर हमने इसको माइनस करना है, पॉइंट लगा रखा है तो जीरो आ जाएगा। कितना बन रहा है, 3400। अब हम 712 को कौन सी संख्या से गुणा करें कि आपका 3400 से बड़ा ना आए। तो देखिए, इसको हम गुणा करते हैं, लगाओ दिमाग, चार से गुणा करते हैं, कितना आ रहा है, 8 4 728। किससे गुणा किया, फिर हमने इसको माइनस करना है, पॉइंट लगा रखा है तो इसके साथ जीरो लिख देंगे। फिर हम कौन सी संख्या से गुणा करेंगे इससे बड़ा ना है। देखिए, 6 से गुणा करते हैं, 12, 7, 7 संग 42, और ये तो बहुत ज़्यादा छोटा आ रहा है, यानी 7 से गुणा करेंगे, 7 बार भाग जाएगा। ठीक है, सही है, अब सही है, 14 और 8, 7 7 49। फिर हमने इसको माइनस करना है, कितना आ गया, 6 3 और आ गया आपका 5। पॉइंट लगा रखा है फिर इसके साथ जीरो लिख देंगे। इस प्रकार से आगे आप जहाँ तक डिवाइड करना चाहते हैं वहाँ तक कर सकते हैं। ये आपका क्या है, भागफल है। इसके बराबर हम अपना क्या लिखते हैं, भागफल लिखते हैं।